नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जो क्लास 12 का फिलॉसफी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर डी में पूछा जाता है, डी में दो प्रश्न आते हैं अथवा करके पहला प्रश्न जो है मिल्स मेथड की आते हैं, जिसके तहत आपका परिभाषा, रूप, उदाहरण, लाभ दो बताना होता है, हानि दो। तो इसी तरह से जैसे पूछा गया है उसी तरह से आप लिखें तो आपको ये 1+2+1+2+2 अर्थात 8 मार्क्स का रहता है। अक्सर किताबों में देखा हूँ कि ऐसा मिलना नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया है, आप इसे कर लें, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैं पहले बताऊँ आपको कि 5 मिल्स मेथड है, जिसमें से एक आउट ऑफ सिलेबस है तो 4 ही आता है। 4 में से 2022 में इस साल कॉन्कॉमिटेंट आ चुका है। तो कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशंस जो आ चुका है इसको छोड़कर बाकी बचा 3, जिसमें मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट, डिफरेंस और ज्वाइंट मेथड, ये 3 है। आप इन तीनों का को करके ज़रूर जाएं माध्यमिक HS में, और उम्मीद है आप आसानी से फुल मार्क्स इसमें से उठा पाएंगे। चलिए, मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट का मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ। ये PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। बाकी बताइएगा कमेंट करके उत्तर कैसा लगा, और भी कोई उत्तर चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा देखने का। शुरुआत करते हैं मिल्स मेथड टू एग्रीमेंट परिभाषा से, डिफिनेशन। यदि किसी आलोच्य घटना के 2 या उससे अधिक उदाहरणों में कोई घटना जो साधारण रूप से सब में उपस्थित हो तो वह साधारण घटना आलोच्य घटना का कारण या कार्य होगा। ये मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट है। फॉर्म, रूप, जो कि अभी हमने परिभाषा पढ़ा, 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का। रूप पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो वो कैसे लिखा गया देखिए, सांकेतिक आकार देखने की पद्धति यह है, यहाँ पर पश्चिमी हो गया, मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर होगा आपका पद्धति। PADDH पद्धति, TI तो ये रहा। देखने की पद्धति यह है, पूर्ववर्ती घटना को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्ववर्ती घटना AB बड़े अक्षर में है, एवं अनुवर्ती घटना को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखना। इसको लिखने के बाद आपको लिखना है फिर से मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट की सांकेतिक आकार इस प्रकार है। उदाहरण 1, 2, 3 है, पूर्ववर्ती घटना, अनुवर्ती घटना, जैसा कि ऊपर कहा गया बड़े अक्षर में ABC, ADE और AFG, छोटे अक्षर में ABC, ADE, FG, वही का वही लिख दिया गया है। आसान याद रखना, इसलिए बड़ा ए है छोटा ए का कारण अथवा छोटा ए है बड़ा ए का कार्य, समझे। अब आते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल चूँकि यहाँ उदाहरण जो है 1 नंबर का दिया हुआ है, पर यहाँ पर हम 2 उदाहरण देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बात को स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल पहला है जो कार्य से कारण, और दूसरा एग्जाम्पल देंगे कारण से कार्य। तो कार्य से कारण,
तो लिखना क्या आपको, उदाहरण या नाम आप देख रहे हैं, शिव, शबनम, प्रीति। इधर पूर्ववर्ती घटना, किसने क्या क्या खाया, और अनुवर्ती घटना है, पेट में दर्द सबका हुआ। तो देखते हैं कार्य से कारण में, कारण कार्य से कारण में, ठीक है। अनुवर्ती घटना, क्या क्या कार्य हुआ, मतलब किसने क्या क्या खाया। शिव ने ढीम चप खाया, चिंगड़ी चप खाया, रोटी इन्होंने नहीं खाया, मांस चप भी खाया और पेट में दर्द हुआ इनका। शबनम ढीम चप खाई, चिंगड़ी चप खाई, रोटी खाई, मांस चप नहीं खाई, लेकिन पेट में दर्द इनका भी हुआ। प्रीति वहीं पर ढीम चप नहीं खाई, चिंगड़ी चप खाई है, रोटी खाई है, मांस चप नहीं खाई है, पर पेट में दर्द इनका भी हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिंगड़ी चप सबने खाया है, तो बता सकते हैं अनुवर्ती घटना जो पेट में दर्द है असल में किसके कारण है। तो चिंगड़ी चप ने सभी ने खाया है, तो चिंगड़ी चप ही हो ना हो कारण होगा पेट में दर्द का, जबकि खाने के बाद तीनों को पेट में दर्द हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि चिंगड़ी चप ही उनका कारण है, इसे चिंगड़ी चप पेट दर्द का कारण है। या आप चप लिख दीजिएगा या चिंगड़ी लिख दीजिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। चिंगड़ी चौप, यहाँ पर चिंगड़ी चौप लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हो गया, पेट दर्द का कारण है। आगे एग्जांपल, कारण से कार्य, कारण से कार्य में देखिए, उदाहरण यहाँ पर शिव, सुहाना और हसीना है, मैं सुहाना कर दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपना। शिव, देखिए पूर्ववर्ती घटना क्या है यहाँ पर और अनुवर्ती घटना। पूर्ववर्ती घटना है कि वायु परिवर्तन, वायु में परिवर्तन हुआ, तो शिव के शरीर में क्या देखा गया अनुवर्ती घटना में, यह देखा गया, मैं थोड़ा आगे करता हूँ इसको बीच, क्या देखा गया अनुवर्ती घटना में, काला तन हो गया इनका, स्वास्थ्य सुधार हुआ, पैर पैर फटना फटने लगा, एड़ी वगैरह और दाढ़ी मूछ इनमें वो देखा गया वायु परिवर्तन से, ये घटना घटा। ठीक है, सुहाना के अंतर्गत जो वायु क्या घटा, वायु परिवर्तन से इनका तन भी काला हो गया, काला इनका तन काला नहीं हुआ। यहाँ पर ड्रेस दे दिया गया, मतलब काला तन इनका नहीं हुआ, स्वास्थ्य सुधार इनका हुआ है, पैर फटना इनका फटा है, दाढ़ी मूछ नहीं हुआ। हसीना का देखा गया कि वायु परिवर्तन से इनका काला तन तो नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य सुधार हुआ है, पैर भी नहीं फटा है, पर दाढ़ी मूछ हसीना का हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए कि वायु परिवर्तन पूर्ववर्ती घटना है जो हुआ है, और इसके कारण शिव, सुहाना और हसीना में अनुवर्ती घटना जो देखा गया, सब में जो मिल रहा है वह स्वास्थ्य सुधार है, इसलिए वायु परिवर्तन का कार्य स्वास्थ्य सुधार है, ये कहा जा सकता है। दो उदाहरण समय समझ में आ गया, उम्मीद है। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज, दो लिखना है, पहला एडवांटेज क्या है, लाभ, पहला लाभ, यह सहज एवं सरल पद्धति है, पर्यवेक्षण निर्भर होने के कारण इस विधि का सहयोग लेकर सामान्य जन कार्य कारण का अनुसंधान कर सकता है। दूसरा, दूसरे पद्धति की तुलना में या दूसरे पद्धतियों की तुलना में यह अधिक व्यापक एवं प्रसारित है, इसमें कारण में कार्य और कारण में नहीं, कारण से कार्य, यहाँ लिखेंगे या कारण से कार्य और कार्य से कारण का अनुसंधान संभव है, ये रहा हमने एडवांटेज। अब डिस एडवांटेज, तो हानि क्या है, पहला करैक्टरिस्टिक इम्परफेक्शन, बहुकरण बहुकारण की संभावना
ही इस पद्धति का प्राकृतिगत दोष है। अब जैसे देख रहे बहु कारण यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है, तो इस कारण से कहा जा रहा है ये कि बहु कारण की संभावना ही इस पद्धति का प्राकृतिगत दोष है। खैर दूसरा है प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन, पर्यवेक्षण निर्भरशील होने के कारण इस पद्धति में असली कारण अज्ञात रह जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये दो डिसएडवांटेज है और इसी के साथ मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट पूरा हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई उत्तर चाहिए तो आप लिख दीजिए कमेंट में, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।